दौलत की खातिर आदमी बड़े से बड़ा काम करने पर आमादा हो जाता है, हारूत राबील ने हट धर्मी से कहा। ऑलिव हार्वर्ड के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। वो बोला, मेरी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? हारूत राबील बोला, इसलिए कि हर आदमी की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है और मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। ऑलिव हार्वर्ड ने बेजारी से कहा, ठीक है ये बात है तो तुम अली की कीमत का तायुन खुद ही कर लो। हारूत राबील मुझसे मुखातिब हुआ, बोलो अली यार खान, तुम्हें कितनी रकम दरकार है? मैंने हैरत से पूछा, किस काम के लिए? राबील बोला, तुम तो सिर्फ ये बताओ कि तुम अपनी खिदमात के इवज कितना मुआवजा वसूल करना पसंद करोगे। मैंने कहा, काम की नौयत जाने बगैर मैं कोई बात कैसे कह सकता हूँ। हारूत राबील ने कहा, इसका मतलब है तुम रजामंद हो। और फातिहाना अंदाज में ऑलिव हार्वर्ड की तरफ देखा। मैंने कहा, मेरी रजामंदी सिर्फ इस बात से मशरूत है कि फलस्तीन के खिलाफ या इसराइल के मफाद में किसी भी कीमत पर कोई काम सर अंजाम नहीं दूंगा। हारूत राबील ने कहा, यह क्या बात हुई? हम तुमसे कोई भी काम लेना चाहें और तुम उसमें इन दोनों पहलुओं में से कोई एक निकाल दो तो? मैंने कहा, ऐसा कोई पहलू मुझे नजर आएगा तो मैं वो काम नहीं कर सकूंगा। हारूत बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दूंगा तुम्हारे तसव्वुर से भी बढ़कर। मैंने कहा, बात सिर्फ मुआवजे की नहीं उसूल की भी है, समझने की कोशिश करो। वो बोला, तुम्हें मालूम है मैंने ऑलिव हार्वर्ड को खुसूसी हिदायत दी थी कि तुम्हें मारा न जाए। मैंने कहा, अगर तुम एहसान जताकर मुझसे काम लेना चाह रहे हो तो मैं इस तरह तैयार नहीं हूँगा। सिल्विया ने पहली बार गुफ्तगू में मुदाखलत की। वो बोली, आपके पास आदमियों की कमी तो नहीं है अंकल? आपको जो काम कराना है वो किसी से भी करवा सकते हैं और वो भी कम मुआवजे पर। हारूत राबील ने गहरी नजरों से सिल्विया को देखा, फिर बोला, ये कारोबारी मामलात हैं बेबी, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, लिहाजा तुम इस मामले में न बोलो तो बेहतर है। सिल्विया ने शाने उचकाए, बोली, आप बेहतर समझते हैं अंकल। मेरी समझ में तो ये बात कभी नहीं आ सकेगी कि ये शख्स जिसने आपको तबाह कर दिया, आप इसी से काम लेने पर क्यों मुसर हैं? राबील बोला, इसलिए कि ये शख्स बहुत अच्छा फील्ड एजेंट है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। मैंने कहा, मैं तुम्हें मयसर ही कब था कि खोने की बातें कर रहे हो? हारूत राबील मुस्कुराया, बोला, नहीं थे तो अब हो जाओगे। यकीन करो मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं ये बात किसी तरह तुम्हारे दिमाग में नहीं उतार पा रहा कि मैंने खुद को फलस्तीन की आज़ादी तक इसी जद्दोजहद के लिए वक्फ कर दिया है, मुझे अपने लिए बेकार ही समझो। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो राबील। हारूत राबील ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी और मुझसे बोला, तुम मेरे साबिका कारोबार में शरीक हो जाओ। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई, वो शख्स कारोबार में शराकत की बात कर रहा था जिसका सब कुछ तबाह हो चुका था। मैंने उसे कहा, कौन से कारोबार की बात कर रहे हो राबील? राबील ने कहा, मैंने नया कारोबार शुरू करने का इरादा किया है, तुम चाहो तो तुम्हें उसमें शराकतदार की हैसियत से शामिल किया जा सकता है, तुम्हारा काम सिर्फ मेरे मफादात की निगरानी करना होगा। मैंने कहा, यूं तो तुम कोई सा भी कारोबार करो मैं उसमें शरीक नहीं हो सकता, लेकिन ये मालूम करने में जरूर दिलचस्पी लूंगा कि अब तुम कौन सा कारोबार शुरू करना चाहते हो। हारूत राबील ने मुझे घूर कर देखा, बोला, क्या तुम मुझे इतना ही अहमक समझते हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और वो भी उस सूरत में कि तुम मुझसे तआवुन करने से मुसलसल इनकार किए जा रहे हो? मैंने कहा, न समझता तो इतनी बातें क्यों करता, और इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ये तो अटल हकीकत है। हारूत राबील ने ऑलिव हार्वर्ड से कहा, अगर इसका यही रवैया रहा तो इस पर तशद्दुद नागुजीर हो जाएगा। ऑलिव हार्वर्ड ने कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसका यही रवैया रहेगा। हारूत राबील गुर्राया, तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। हार्वर्ड बोला, तरफदारी नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। राबील बोला, जो कुछ मैं सोच लेता हूँ उस पर हर कीमत पर अमल करता हूँ, इसे मेरे लिए ही काम करना पड़ेगा, खास के लिए मुझे इस पर तशद्दुद ही क्यों ना करना पड़े। ऑलिव हार्वर्ड बोला, मैं तुम्हें इसका मशवरा नहीं दूंगा। हारूत राबील बोला, इस मामले में मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है, जो मेरा जी चाहेगा करूंगा। हार्वर्ड बोला, अगर तुमने मेरे मशवरे के खिलाफ कोई काम किया तो मैं अपना काम जारी नहीं रख सकूंगा। हारूत राबील आपे से बाहर हो गया, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। हार्वर्ड बोला, ये धमकी नहीं खुली हुई हकीकत है। राबील बोला, यूं मालूम होता है कि तुम दोनों दरपर्दा आपस में मिले हुए हो। हार्वर्ड बोला, अगर ये सोचकर तुम्हें तस्कीन मिलती है तो यही समझते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने महसूस किया कि शदीद गुस्से में होने के बावजूद हारूत राबील सोच में पड़ गया। मैं उसके झिझकने की वजह बहुत अच्छी तरह समझ रहा था, उसकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि ऑलिव हार्वर्ड से मुखालिफत मोल ले सकता, उस वक्त तो वो पूरी तरह उसके रहमोकरम पर था। चंद लम्हे सोच में डूबे रहने के बाद हारूत राबील ने कहा, देखो मेरे लिए उलझन पैदा मत करो, मुझे बहुत से काम करने हैं, अगर तुमने भी मेरे रास्ते में रुकावटें डालना शुरू कर दी तो ये काम कैसे चलेगा? ऑलिव हार्वर्ड ने मुतहयराना लहजे में कहा, क्या कह रहे हो राबील, मैं तो हर तरह तुमसे तआवुन कर रहा हूँ, जो मशवरा मैंने तुम्हें दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तुम न समझो तो दूसरी बात है। हारूत राबील ने एक तवील सांस ली, बोला, ठीक है जैसे तुम मुनासिब समझो कर लो।
ऑलिव हावर्ड ने कहा, बस तो फिलहाल हम अली को नहीं छेड़ेंगे, इसके लिए कुछ और सोचा जाएगा। मैंने कहा, शुक्रिया ऑलिव, मुझ पर तुम्हारी मेहरबानियों के अकाउंट में एक और मेहरबानी का इजाफा हो गया। मेरी तवक्को के खिलाफ ऑलिव हावर्ड मुस्कुराया, बोला, एक अच्छे एजेंट के लिए जरूरी है कि वो वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए कोई कदम उठाए। मैंने बड़े गौर से उसे देखा, मगर मैं अंदाजा नहीं कर पा रहा था कि उसके जहन में कौन सा मंसूबा परवरिश पा रहा है, लेकिन कुछ था जरूर, उसने मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश तैयार कर ली थी। मैंने सारे ख्यालात अपने जहन से झटक दिए और ऑलिव हावर्ड से बोला, जाहिर के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ऑलिव हावर्ड ने बिला झिझक कहा, उसकी हालत नाजुक है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैंने बेचैनी से पहलू बदला, कहा, मुझे अंदाजा तो था, लेकिन किसी ने इस तरह दो टोक अल्फाज में मुझे ये बात नहीं बताई। ऑलिव हावर्ड ने सिल्विया की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा और सिल्विया ने जल्दी से कहा, जिस कस्म के हालात से गुजर कर ये यहाँ पहुंचे हैं, उसके पेश नजर ये जरूरी था कि इन्हें कोई ना खुशगवार कस्म की खबर अचानक न सुनाई जाए। ऑलिव हावर्ड ने बड़ा बुलंद आहंग कहकहा लगाया, बोला, तुम लोगों ने सिर्फ इसलिए ऐसा सोचा कि तुम अली यार खान से वाकिफ नहीं हो, खैर कोई बात नहीं। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, मैंने तुम्हें उसकी हालत से आगाह कर दिया है, कोई और शिकायत हो तो बताओ। मैंने सर्द लहजे में कहा, महज तुम्हारी वजह से वो इस हाल को पहुंचा है, इसे याद रखना। ऑलिव हावर्ड के होंठ भिंच गए, बोला, जब तक तुम मेरी कैद में हो उस वक्त तक अपने लहजे पर काबू रखना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मैंने उसकी बात को खातिर में नलाते हुए कहा, अगर वो मर गया तो उसका इंतकाम मैं तुमसे लूंगा। हावर्ड बोला, इतनी बातें तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है। मैंने हिकारत से कहा, तुम मुझे क्या ढील दोगे, हमारी तलाश पर तुमने सैकड़ों आदमी लगा दिए, पैदल लोगों की गिरफ्तारी के लिए हेलीकॉप्टर तक का सहारा लिया, क्या इसी को ढील कहते हैं? ऑलिव हावर्ड खड़ा हो गया, गुस्से की शिद्दत से उसका हुलिया बिगड़ कर रह गया था। वो बहुत जोर से धाड़ा, ले जाओ इसे यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा बैठूं। दरवाजे के पास मौजूद दोनों मुसल्ला अफराद ने मुझे उठने का इशारा किया और मैं उठ गया। कमरे से बाहर निकलने से कबल मैंने ऑलिव हावर्ड पर एक कहर आलूद निगाह डाली और फिर कमरे से निकल आया। मुझे वापस उसी कमरे में पहुंचा दिया गया जहां से ले जाया गया था। सिल्विया वहीं रह गई। ऑलिव हावर्ड और हारूत राबील से होने वाली मुलाकात बेहद नाखुशगवार साबित हुई थी, जिसकी वजह से तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुलाकात से उनका मकसद क्या था। मैंने खुद को बेड पर गिराया और अपना जहन आजाद छोड़ दिया। होने वाली बात तो होकर रहती है, जाहिर की जिंदगी के दिन अगर पूरे हो गए थे तो उसे मरने से कौन रोक सकता था। इसमें ऑलिव हावर्ड का तो कोई कसूर नहीं था। मैंने इस मामले में ऑलिव हावर्ड से तलख होकर गुफ्तगू की थी और जाहिर है कि इस मामले में वो कसूरवार नहीं था। मैं बोर होता रहा, करने को कुछ भी नहीं था। सिल्विया भी नहीं थी कि उससे बातें करके वक्त गुजारी ही कर लेता। उस इमारत से फरार होने की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। ऑलिव हावर्ड के पास जाते वक्त और वापसी में मैंने इमारत की हर राहदारी में मुसल्ला मुहाफिज बिखरे देखे थे। इमारत से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नजर नहीं आया था। जिस कमरे में मैं मौजूद था उसकी खिड़कियों में शीशे नस्ब थे, मगर शीशे खुलने का कोई सिस्टम नहीं था। वजह यह थी कि इमारत में ठंडक का मरकजी निजाम मौजूद था, जिसकी वजह से खिड़कियां खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, और इसीलिए वहां ऐसी खिड़कियां नहीं लगाई गई होंगी जिन्हें खोला जा सके। इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ना जरूरी था, लेकिन सवाल यह था कि शीशा तोड़ने से क्या फायदा होता। मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर था और नीचे उतरने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी जो वहां मौजूद नहीं था। अगर मौजूद होता तब भी ये बात यकीनी थी कि मुसल्ला मुहाफिज नीचे भी होंगे, जिनकी मौजूदगी में सही सलामत नीचे तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं था। फरार होना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने फैसला किया कि फिलहाल खुद को हालात के धारे पर बहने दूं। मुझे यकीन था कि फरार होने का कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा और मैं इस मौके से फायदा उठाने में जरा भी तामुल नहीं करूंगा। पहले ही इस कैद में मेरा बहुत कीमती वक्त जाया हो चुका था। मेरी तन्हाई का इख्तिताम रात को उस वक्त हुआ जब एक मुलाजिम खाने की ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि ट्रॉली में दो प्लेटें रखी हुई हैं, जबकि मैं कमरे में अकेला था। मुलाजिम के वापस जाने से कबल कमरे के खुले हुए दरवाजे से लकी हावर्ड अंदर दाखिल हुई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने हाथ उठाकर कहा, हाय, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? मुलाजिम वापस जा चुका था। मैंने कहा, ये तुम्हारे प्यारे डैडी की मेहरबानी है। लकी ने ट्रॉली की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। मैं उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। लकी ने मेरी बेरुखी महसूस तो की, मगर उसने अपनी झेंप मिटाने के लिए खुद ही अपने लिए खाना निकालना शुरू कर दिया। उसने खाने के दौरान कहा, क्या बात है, तुम कुछ नाराज लग रहे हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है तुमसे तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मैं नाराज होता। वो बोली, ओहो, तो तुम डैडी का गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। मैंने कहा, नहीं, मैं ताल्लुकात खलत मलत करने का कायल नहीं हूँ।
हर एक के साथ मेरा मामला अलग होता है। वो बोली, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हें जिंदा देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है और तुम्हारा मुंह फूला हुआ है। मैंने कहा, जिन हालात से मैं गुजर रहा हूँ उनसे तुम गुजरती तो मैं तुमसे पूछता। वो बोली, वजह मालूम हुए बगैर कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तुमने बताया है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। मैं चौंक कर बोला, मैंने क्या बताया है और तुम मेरे लिए क्या करोगी? बोली, तुमने यही कहा है ना कि जिन हालात से तुम दो चार हो उनमें आदमी की खुश मिजाजी दम तोड़ जाती है। मैंने कहा, हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन तुम इन हालात को तब्दील करने की पोजिशन में तो नहीं हो। वो बोली, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने के लिए एक कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मुझे माफी रखो, इस काम की जो कीमत तुम मुझसे तलब करोगी उसकी अदायगी मेरे बस की बात नहीं होगी। लकी हंस पड़ी। उसने कुर्बान हो जाने वाली नजरों से मुझे देखा। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि मैं खुद को तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लूं। मैंने बेएतबारी से उसे देखा, कहा, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। वो बोली, मैं कुछ भी कहूँ तुम उस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मुस्तकबिल में मेरा रवैया साबित कर देगा कि जो कुछ मैंने कहा है वो दुरुस्त है। मैं बड़बड़ाया, बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा इनकलाब यूं ही तो नहीं आ जाता। लकी का मूड बिगड़ गया। उसने बड़े खराब लहजे में कहा, मेरे खुलूस पर शुबा मत करो, अब अगर तुमने इस किस्म की गुफ्तगू की तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। उसने अपने गिरेबान से पिस्तौल निकाल लिया। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। उसका रद्द अमल गैर मुतवक्के था। मैंने कहा, मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था, मैं तो इस इनकलाब की वजह जानना चाह रहा था। लकी गुर्राई, वजह यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, समझे? और मोहब्बत करने वाले खुद को अपने महबूब की ख्वाहिशात के मुताबिक ढाल ही लिया करते हैं, ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है। मैंने बदस्तूर बौखलाए हुए अंदाज में कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नजरिया मोहब्बत तो बहुत मुख्तलिफ था, मेरी हैरानी भी तो बेजा नहीं है। वो बोली, मैंने ये कब कहा कि मेरा नजरिया तब्दील हो गया है, मैंने तो सिर्फ अपना तर्ज अमल तब्दील किया है महज तुम्हारी खुशी की खातिर, शायद इस तरह मैं तुमको फतह करने में कामयाब हो जाऊं। मैंने एक तवील सांस ली। जो कुछ वो कह रही थी बईदस कयास नहीं था। बस जज्बे आदमी को बड़े बड़े काम करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रक जरूर होता है। मैं लकी के बारे में ये बात नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। उस पर मेरी शख्सियत के नकूश कितने ही गहरे क्यों न मान लिए जाएं, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह थी कि पहले वो मेरी असलियत से बेखबर थी। उसे ये मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। अब जबकि उस पर सब कुछ वाजे हो गया था, ये बात भी उसके इल्म में आ गई थी कि मैं इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, यहूदियों और बिलखसूस उसके बाप के सख्त खिलाफ हूँ, तो उसे मुझसे बरगश्ता हो जाना चाहिए था। लेकिन वहां तो मामला बिल्कुल ही बरक्स था। मुझ पर उसकी मेहरबानियां और भी सिवा हो गई थी। हद तो यह है कि वो खुद को मेरी मर्जी के मुताबिक ढालने की बातें कर रही थी। लकी ने मुझे टोका, क्या सोचने लगे, क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? मैंने कहा, पिस्तौल रख लो लकी, इससे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अलबत्ता अपने तीर नजर से जरूर घायल कर सकती हो। लकी ने पिस्तौल वापस रख लिया। बोली, बात का रुख तब्दील करने की कोशिश मत करो और मेरी बात का जवाब दो। मैंने कहा, अभी पिछले ही हफ्ते तो हमारी मुलाकात हुई थी, उस वक्त तो तुम्हारे नजरियात कुछ और थे, आखिर एक हफ्ते में तुम्हारी काया कैसे पलट गई? वो बोली, इस एक हफ्ते के दौरान मैं जिस कयामत से गुजरी हूँ उसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। डैडी की जबानी मुझे तुम्हारे फरार के बारे में खबरें मिल रही थी। मुझे जब ये मालूम हुआ कि तुम्हें घेरने के लिए तुम्हारे चारों तरफ आग लगा दी गई है तो मुझे अंदेशा हुआ कि तुम जलकर अपनी जान दे दोगे मगर झुकोगे नहीं। मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगती रही। मुझे अंदाजा था कि मेरी दुआएं भी तुम्हें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती। बाज़ लोग ऐसे ही होते हैं, उन पर दुनिया की हर ताकत बेअसर हो जाती है। वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, वो दूसरों को झुकाना जानते हैं, खुद टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। फिर खबर मिली कि तुम दोनों आग के दरमियान इस तरह घिर गए हो कि अब तुम्हारा निकाला जाना मुमकिन नहीं रहा। आग की हिद्दत के सामने हेलीकॉप्टर के पर भी चल रहे थे। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया। उसके थोड़ी देर के बाद इत्तला मिली कि आग उस मकाम के चप्पे चप्पे पर फैल गई है जहां तुम मौजूद हो, और ये बात यकीनी है कि तुम दोनों जलकर मर चुके हो, इसलिए अब वो लोग आग बुझा रहे हैं। मैं इसी खबर की तवक्को कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये खबर बिजली बनकर मुझ पर गिरी और मैं बेहोश हो गई। इस दौरान मैंने कई बार सोचा था कि तुम्हारे इस हाल तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसी हद तक मुझ पर भी है। अगर मैंने जिद न की होती तो शायद डैडी तुम्हारे साथ ये सलूक न करते। मुमकिन है तुम जिंदा रहते। अगर तुम जिंदा रहते तो शायद कभी तुम्हारे ख्यालात तब्दील हो जाते। मैं कई घंटे के बाद होश में आई। होश में आते ही मुझे ये नाकाबिले यकीन इत्तला मिली कि तुम दोनों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो यही समझ रही थी कि मेरे दिलो दिमाग से सदमा कम करने के लिए मुझे ये खबर सुनाई जा रही है, लेकिन बाद में इस खबर की तस्दीक हो गई और मैंने उसी वक्त तहिया कर लिया कि अब मैं तुम्हें जरा भी मजबूर नहीं करूंगी बल्कि खुद को ही बदल लूंगी। जो झुकना ही न जाने उसे कोई कैसे झुका सकता है। मैंने सन्नाटे के आलम में लकी की बातें सुनी।
बिलाशुबा उसके पास एक ताकतवर मुहर्रक मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसकी बातों पर यकीन करने में तामल था। वजह यह थी कि उसके पास मुझसे नफरत करने के लिए भी तो एक से ज्यादा नहायत ताकतवर किस्म के मुहर्रकात मौजूद थे। आखिर वो उस मुहर्रक की मामूल क्यों बनी जो दूर अज कयास था। मैंने भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे इतनी शदीद मोहब्बत करती हो। वो बोली, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था, मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंपने के लिए तैयार थी और तुम्हें इतना अंदाजा भी ना हो सका। मेरे मुंह का जायका खराब हो गया। जो सब कुछ सौंपने की वो बात कर रही थी, उस सब कुछ की उनके मुआशरे में कोई वक्त नहीं। ये वो बेहकीकत चीज है जो सबसे ज्यादा आसानी से एक दूसरे को सौंप दी जाती है। मैंने ये बात सोची जरूर, मगर लकी से नहीं कही। मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। यह मुमकिन था कि ओलिव हार्वर्ड इस आड़ में कोई खेल खेल रहा हो, लेकिन सवाल यह था कि मुझे इससे क्या नुकसान पहुंच रहा था। मैंने सोचा कि मुझे इस खेल में शरीक हो जाना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से इस खेल में शरीक हूंगा तो अपना किरदार इससे जरा मुख्तलिफ अंदाज में अदा कर सकूंगा, जिस अंदाज में वो दोनों बाप बेटी मुझसे तवक्को कर रहे होंगे। मैं मुस्कुराया, कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात तस्लीम करता हूँ। मुझे खुशी है कि कोई मुझे इस हद तक भी चाहता है। लकी ने पुरमसरत अंदाज में कहा, तो हमारी दोस्ती पक्की, और अपना नर्म नाजुक हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बड़ी गर्म जोशी से उससे हाथ मिलाया। लकी ने राजदाराना अंदाज में मुझसे कहा, अब यहाँ से फरार होने के बारे में कोई स्कीम बनाओ। मैंने कहा, मैं क्या स्कीम बनाऊं, मैं तो अपने साथी की फिक्र में खुला जा रहा हूँ, मालूम नहीं वो बच भी सकेगा या नहीं। लकी बोली, डैडी ने तुम्हें बताया तो था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी तुम आस लगाए बैठे हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं मानता, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ कि उसे मौत और जीस्त की कश्मकश में गिरफ्तार छोड़कर खुद फरार हो जाऊं। वो बोली, तुम फरार नहीं होगे तो भी उसके लिए क्या कर लोगे, जाहिर है किसी को मरने से तो कोई रोक नहीं सकता। मैंने कहा, कम अज कम मैं इंतजार तो कर सकता हूँ, ये उम्मीद तो रख सकता हूँ कि शायद उसकी हालत संभल जाएगी। लेकिन मुंह बनाकर कहा, बेवकूफी की बातें मत करो, सबसे अहम आदमी की अपनी जात होती है, बाकी हर चीज की हैसियत सानवी होती है। मैंने कहा, जब तक मेरी जात को कोई इंतहाई किस्म का खतरा लाहक न हो, मैं इस अंदाज में सोचना गुनाह तसव्वुर करता हूँ। लकी चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर बोली, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें जान का खतरा लाहक है तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा, तब मुझे जाहिर को छोड़कर फरार होने की कोशिश करने में कोई तरद्दुद नहीं होगा, लेकिन अभी मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं सिर्फ कैदी ही तो हूँ, मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं। वो बोली, किन खुश फहमियों में घिरे हुए हो तुम, डैडी ने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। मैंने बेतबारी से कहा, नहीं नहीं, ओलिव हार्वर्ड मेरा हरीफ जरूर है, मगर हमने कभी एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं की, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लकी जोर देकर बोली, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है, इसलिए किसी गलत फहमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम खाना खा चुके थे, मुलाजिम आया और खाने की ट्रॉली लेकर बाहर चला गया। लकी ने उससे कॉफी लाने को कहा था, कॉफी जो उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी अय्याशी थी। एक हफ्ते से चाय या कॉफी जैसे किसी रूह अफजा मशरूब का नाम तक सुनने को कान तरस गए थे, पीना तो बहुत दूर की बात है। मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा, ओलिव हार्वर्ड का ये फैसला मेरी समझ से बालतर है, हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसके बिना पर वो मेरी जान का दुश्मन हो जाता। लकी ने कहा, तुमने हारूत राबील की पेशकश बड़ी हकारत से ठुकरा दी, अगर तुम मसलहतन उसे कबूल कर लेते तो कौन सी कयामत टूट पड़ती। मैंने हैरत से कहा, महज इतनी सी बात पर वो मेरी जान के दर पे हो गया है। लकी ने कहा, उन्हें हारूत राबील ने इस काम पर आमादा किया है, वरना वो तो बड़ी शिद्दत से मुखालिफत कर रहे थे। मैंने कहा, तुम्हारी बातें बड़ी नाकाबिल यकीन हैं लकी, लेकिन मेरे पास उन पर यकीन करने के सिवा चारा भी नहीं है। इसके बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्या करूं। लकी ने मुझे घूरा, बोली, तुम क्या करो, तुम यहां से फरार होने पर आमादा हो भी कि नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी फराहम करदा मालूमात की रोशनी में मैंने खुद को आमादा तो कर लिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से किस तरह फरार हो सकेंगे। लकी ने कहा, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, और वो कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। मुलाजिम कॉफी ले आया था। मुलाजिम के वापस जाने के बाद लकी ने बात मुकम्मल की, बोली, मैं यहाँ से निकलने की किसी तदबीर पर गौर करूंगी।